अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड, आज मैं आपके लिए कोई ब्लॉग नहीं लाई हूँ। आज मैं ये IFB का मैक्रो ओवन है, इसके बारे में आपको कुछ बताने आई हूँ, क्योंकि मुझसे कोई बहुत लोग ऐसा पूछ रहे थे कि ये कैसा है, इसके बारे में बताओ। तो बस मैंने वही वीडियो आप लोगों के लिए लाई हूँ। तो देखिए आप लोग, अभी मैं आपको इसके फंक्शन वगैरह बता रही हूँ। तो ये इसके फंक्शन है, जैसे कि ये डिज़र्ट का है और रीहीट है, और मतलब अगर केक बनाना है तो ये अपना आप ही प्रोग्राम सब सेट है हर चीज़ का। हमें जो भी बनाना है, हमें बस उस पर क्लिक करना है और स्टार्ट करना है। तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन हैं, जैसे कि पिज़्ज़ा है, पिज़्ज़ा बनाने का है, या राइस राइस बनाना है, तंदूरी ढाबा है, और जैसा पॉपकॉर्न वगैरह। तो बस वो सब बहुत ऑप्शन है। और उसके नीचे ये रीहीट वगैरह करने का है, और मिनट और सेकंड दोनों दिया हुआ है हमें, चाहे हमें 10 मिनट के लिए रखना हो, या 10 सेकंड के लिए, या 1 मिनट के लिए, या 1 सेकंड के लिए। और ये स्टीम और क्लीन का भी दिया हुआ है, जिससे हम माइक्रो ओवन क्लीन कर सकते हैं अगर हमारा ओवन ख़राब हो गया अंदर से तो। और ये फर्मिट का है, ये कीप वार्म का है, और ये प्री हीट कन्वेक्शन भी है इसमें, ग्रिल का है, मैक्रो पावर लेवल है, और मैक्रो ग्रिल है, मैक्रो कन्वेक्शन है, टाइम क्लॉक है, अगर हमने टाइम क्लॉक लगाना है तो हम वो भी कर सकते हैं। तो ये इस तरह से पूरे फंक्शन दिए हुए हैं, पूरे आप देख सकते हैं। और ये इस तरह से पूरा इसका है, और इधर साइड में आप लोग देख सकते हैं ये 3 इयर्स वारंटी का भी लगा हुआ है इधर, क्लीन बाय स्टीम। मतलब ये कैस क्या है इसमें, उसके भी वो लगा कर बता दिए हैं हमें। और अभी मैं आप लोगों को ऊपर से भी दिखाती हूँ, ऊपर से इसकी जो जो रेसिपी इसमें हम बना सकते हैं और बनेगी, वो सब उसका भी दिया हुआ है। तो जैसे कि डिसर्ट का दिया हुआ है, मतलब हम इसमें चॉकलेट केक, कॉफ़ी केक, पाइनएप्पल केक, हर तरह के केक हम इसमें बना सकते हैं। और सिर्फ केक ही नहीं, हम इसमें सेम टी वाले आइटम भी बना सकते हैं, जैसे मसाला टी और जिंजर टी, जो भी टी हमें बनानी है पूरी A to Z इसमें बनेगी। ऐसा नहीं कि हम जो गैस पे काम कर सकते हैं इसमें नहीं कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसमें हमारी हर चीज़ बनेगी सिवाय रोटी के। और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये राइस की डिश भी इसमें दी हुई है, इसमें से हम राइस वाले आइटम में हमें जो भी बनाना है हम बना सकते हैं, वेजिटेबल पुलाव, चिकन पुलाव, बिरयानी, सादा राइस, खिचड़ी, जो भी हमें बनाना है तो हम बना सकते हैं। तो ये सब उसकी रेसिपी वगैरह बताई हुई है इधर, आप लोग देख सकते हैं कि कितने सारे चीज़ें हैं जो हम इसमें बना सकते हैं। हर टाइप का पिज़्ज़ा और तंदूरी ढाबा में भी हम हर चीज़ बना सकते हैं, चिकन टिक्का, चिकन तंदूरी, चिकन कबाब, जो भी आइटम हम चिकन वाले बनाना चाहें इसमें बना सकते हैं। और ये नीचे वारंटी का लिखा हुआ है, और थोड़ी इन्फॉर्मेशन है, मतलब ये IFB के मतलब केयर सेंटर वालों का नंबर है, तो बस वो भी इस पर लगा हुआ है। और मुझे तो ये बहुत हेल्पफुल लगा है, और अगर आप में से कोई लेना चाहे तो ले सकते हैं, और मुझे बहुत पसंद है ये। इसमें हर चीज़ बन जाती है। अगर पहला तो मेरे साथ ऐसा भी हुआ कि मेरा गैस ख़त्म हो गया था, तो मुझे बिल्कुल भी टेंशन नहीं हुआ, क्योंकि इसमें हर चीज़ बनती है, और बस रोटी का मसला था। और इत्तेफाक से ऐसा है कि मेरे पास रोटी वाला भी है, रोटी मेकर, तो मुझे बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं हुई थी। और ये IFB का मैक्रो ओवन है, बहुत अच्छा है ये, मुझे बहुत पसंद है पर्सनली। आप में से कोई लेना चाहे तो ले सकता है, और जिन लोगों को पहले से ही यूज़ करना आता है तो उनके लिए तो बहुत ही ज़बरदस्त है। और अगर जिन लोगों को यूज़ करना नहीं भी आता है तो वो भी इसे इजीली यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसके साथ हमें एक रेसिपी बुक भी आती है, तो उसमें हर चीज़ लिखी हुई है, हम उसे देखकर भी यूज़ कर सकते हैं। और अभी मैं आप लोगों को इसे चालू कर और अंदर से भी बता रही हूँ कि ये अंदर से कैसा है। तो देखिए, इस तरह से हमने इसे चालू कर दिया, और हमें जो भी चीज़ अभी इसमें रखनी है तो वो हिसाब से हम यहाँ फंक्शन देखकर रख सकते हैं।
और टाइम अपने हिसाब से लगा सकते हैं। तो ये अंदर से कुछ ऐसा है, ये इसका दरवाज़ा और ये इसका अंदर वाला लुक है। और अंदर ये कांच की प्लेट है जिस पर हम जो चीज़ रखना है हमें वो रख सकते हैं। और जो लोग यूज़ करना जानते हैं उन्हें तो पता ही होगा, मगर जिनको नहीं पता बस मैं उन लोगों को बता रही हूँ। तो ये इसका अंदर से ऐसा लुक है। और अभी जैसे कि हमने चालू किया, हमें कुछ रखना है, हमने खोला रख दिया और टाइम लगा दिया जैसे कि 10 मिनट का, स्टार्ट कर दिया तो बस ये स्टार्ट हो जाएगा। और अभी दिवाली आने वाली है तो बहुत से लोग हैं जो सोच रहे होंगे कि हमें माइक्रो ओवन, जो लोग ख़रीदना चाहते होंगे तो वो सोच रहे होंगे हमें लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। तो बस मैंने सोचा कि मैं अपना जो एक्सपीरियंस है वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि मुझे कैसा लगा पर्सनली, अगर आप लोगों को इससे कुछ हेल्प मिले तो। बस इसीलिए खुदा हाफिज़।